Preparation of Risk Assessment Online Safety Course Training. Preparation of Risk Assessment Work Task List, How to Make Form. आज हम बात करेंगे कि जब साइट पे आप रिस्क असेसमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कहां से आप शुरुआत करते हैं. जो भी आपको टास्क मिला हुआ है उस टास्क का आप कैसे उसके लिए फॉर्म जनरेट करेंगे, हाउ टू मेक फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट, असेसमेंट के लिए रिस्क असेसमेंट के लिए फॉर्म कैसे बनाएंगे. अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे एक एक करके जानने की और लर्न करेंगे, सीखेंगे कैसे बनाएंगे और क्या क्या एक्टिविटीज होगा. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रिस्क असेसमेंट की तैयारी कैसे शुरू करेंगे. अमूमन ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रिस्क असेसमेंट की तैयारी कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, वर्क टास्क लिस्ट में कितने कॉलम होते हैं. जो भी आप वर्क लिस्ट टास्क बनाएंगे उसमें कितने कॉलम आप मेंशन करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9, 10, कितना करेंगे. रिस्क असेसमेंट करने वाले को क्या कहा जाता है. हर एक व्यक्ति का उसके कार्य के अनुसार उसका नाम दिया जाता है, उसका पोस्ट होता है. तो जो व्यक्ति रिस्क असेसमेंट करता है उसे आप क्या नाम देते हैं, किस नाम से जानते हैं. टास्क लिस्ट में एक्टिविटीज़ क्या दर्शाता है. अगर टास्क लिस्ट में कहीं एक्टिविटीज़ का कोई कॉलम है तो वो क्या कहता है आपसे, उसका मकसद क्या है रखने का, क्या उसे हम हटा नहीं सकते, क्या ज़रूरी है लिखना, तो ये तमाम बातें. अगला क्वेश्चन है, रिस्क असेसमेंट वर्क टास्क लिस्ट में इक्विपमेंट का कॉलम क्यों होता है. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको समझने में काफ़ी मदद करेंगे और हम फॉर्म बनाना से शुरू करेंगे, कितने कॉलम होते हैं, फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे और उसमें कैसे उस रिपोर्ट को लिखेंगे, ये तमाम बातें मैं बताऊंगा और उसके बाद से आपको लास्ट में इन क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब फॉर्म बना करके आप काम करेंगे तो आपके आपको आंसर मिलता जाएगा. एक एक करके देख लेते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. पहला, कंपनी, डिपार्टमेंट, साइट नेम, लोकेशन, पीपल, इक्विपमेंट, एक्टिविटीज़. ये 7 पॉइंट्स हैं जो किसी भी टास्क के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप जब किसी भी टास्क का पर काम करने जा रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट करने की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो ये 7 चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी और इन 7 पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे अपने फॉर्म में. तो कोई भी फॉर्म जब होगा आपका, उस फॉर्म को आप 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. पहले सेक्शन में आपके 3 ऊपर से 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, कंपनी, डिपार्टमेंट और साइट नेम. सबसे पहले जो ऊपरी कॉलम आपका होगा उसमें 3 कॉलम आप बनाएंगे, जिसमें पहले में लिखेंगे कंपनी, दूसरे में डिपार्टमेंट, तीसरे कॉलम में लिखेंगे साइट नेम. अब वो कॉलम ख़त्म हो गया, अब उसके बाद एक नीचे आएंगे. नीचे आने के बाद आपको 4 पॉइंट्स बनाने, 4 कॉलम और बनाने हैं और ये 4 कॉलम होंगे. पहला कॉलम जो होगा आपका लोकेशन का होगा, दूसरा कॉलम जो होगा आपका पीपल का होगा और तीसरा कॉलम इक्विपमेंट मशीनरी का होगा, या मशीनरी इक्विपमेंट टूल या. उसके बाद नंबर जो आता है फोर्थ कॉलम होगा एक्टिविटीज़ का होगा. ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे बनाएंगे और उसको कैसे उसमें उसका नाम देंगे, क्या क्या एक एक चीज़ करके. तो 7 पॉइंट्स आपको जब भी वर्क टास्क लिस्ट आप बनाएंगे तो ये मिनिमम जो होते हैं 7 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं, ये मैंडेटरी हैं. इसके बगैर आप उस चीज़ को, रिस्क असेसमेंट का अच्छे तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको जानकारी हो पाएगी. तो इन 7 बातों का ख्याल रखें जिसको 2 सेक्शन में बांटा गया है. पहले सेक्शन में देखते हैं क्या लिखेंगे. अब देखिए, फॉर्म का कुछ प्रारूप इस तरह से होगा. सबसे ऊपर लिखा रहता है वर्क टास्क लिस्ट फॉर रिस्क असेसमेंट, डेट एंड टाइम. ठीक है, और जो डेट है वो लिखा जाएगा और कितने बजे आप शुरू करने जा रहे हैं, ये चीज़ लिखा होगा. अब पहले में जैसा कि मैंने बताया कि 3 कॉलम होंगे, तो पहला कॉलम होगा कंपनी, दूसरा कॉलम होगा डिपार्टमेंट, यानी कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का कौन सा डिपार्टमेंट है और किस साइट के लिए ये किया जा रहा है. ठीक है, 3 कॉलम आप समझ गए. अब बारी आती है दूसरे कॉलम की. दूसरे कॉलम में जब नीचे आप बढ़ेंगे, अगला स्टेप इसके बाद,
तो इस चीज को आप फोर सेक्शन में डिवाइड करेंगे। कितने सेक्शन में? फोर सेक्शन में। पहला सेक्शन जो होगा आपका, पहला पार्ट जो होगा वह होगा लोकेशन, इट मीन्स कहाँ पे काम चल रहा है। दूसरा होगा पीपल, यानी लोग, वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद कॉलम आएगा इक्विपमेंट, ठीक है, कौन सा टूल, कौन सा मशीन या क्या चीज़ यूज किया जा रहा है। उसके बाद आता है लास्ट एक्टिविटीज, अब किस तरह का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इन चार का मकसद आप समझ गए, लोकेशन यानी किस स्थान पे, किस जगह पे ये कार्य, ये टास्क किया जा रहा है या होगा। दूसरा लोग, लोगों की संख्या कितनी है, जिसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, जो भी हो, उनकी लिस्ट एक हमारे पास आ जाती है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, किस और इक्विपमेंट क्या अवेलेबल है वहाँ पे। तो जो भी इक्विपमेंट अवेलेबल हो आपका, जैसे फोर्कलिफ्ट हो सकता है, हाईवा हो सकता है, लोडर हो सकता है, ठीक है, एक्सावेटर हो सकता है, डीजी होता हो सकता है आपका, बिग प्लांट, स्टोन क्रशर, तमाम तरह की ऐसे मशीनरी टूल्स, इलेक्ट्रिक पावर, पावर ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक टूल हो सकता है, स्टोन ब्लास्टिंग टूल हो सकता है, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको मेंशन करने के बाद हमें यह जानकारी मिल जाती है कि लोगों की संख्या कितनी है और काम क्या हो रहा है। तो जब ये पता चल जाता है तो हम ये आसानी से पता कर लेते हैं कि हजार्ड जो है वहाँ पे किस तरह का है और क्या रिस्क एसोसिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जब हमें ये सारी बातें मालूम हो जाती हैं तब हम आसानी से रिस्क को कैलकुलेट कर पाते हैं, और रिस्क को कैलकुलेट एलसीआर के द्वारा कर लेते हैं, और एलसीआर जो है आपकी काफ़ी मदद करता है। अब नेक्स्ट किसी एक वीडियो में मैंने एलसीआर पे डिस्कस किया था, अगर आप जो है इस वीडियो पे नए हैं तो एलसीआर वाला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एलसीआर क्या होता है और किस तरह से काम वर्क करता है। अब हम इस फॉर्म को लिखना बताते हैं, कैसे लिखेंगे, चलिए इस चीज़ को भी करके देख लेते हैं, कैसे इसमें इस कॉलम को फिल करना है, कैसे भरना है और किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्म में हमने सबसे पहले कंपनी, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया एसएसटी प्राइवेट लिमिटेड, डिपार्टमेंट कौन सा है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, साइट नेम कौन सा है, देवरिया 12 साइट है, हर एक साइट का उसके नाम के साथ एक कोड दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, ये अलग अलग भी हो सकता है, केवल उस प्लेस का नाम भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है एक कोड उसे दे ही दिया जाता है। जैसे हर जगह अगर रोड कंस्ट्रक्शन का आप काम कर रहे हैं तो हर एक रोड का नाम है, जैसे मान लीजिए कि हो गया 21 SH, या फिर जो है नेशनल हाईवे NHI, इस तरह से करके तमाम तरह के नाम दिए जाते हैं, तो साइट के अनुसार और वर्क के अनुसार। अब बात करते हैं, पहले ऑप्शन में तो हमने लिख दिया कंपनी के नाम, दूसरे ऑप्शन में लिख दिया क्या काम, डिपार्टमेंट कौन सा है तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, साइट का नेम क्या है, देवरिया 12 है। अब बारी है दूसरे कॉलम की बात करते हैं, जिसके बाद जिसमें चार सेक्शन है। पहले सेक्शन में लोकेशन, यह लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन मैंने बताया कि देवरिया 4 लाइन है, लोगों की संख्या कितनी है तो 6 6 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट क्या है तो स्टोन क्रशर है, एक है स्टोन क्रशर प्लांट है, एक काम हो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या हो रही है तो वहाँ पे स्टोन क्रशिंग का काम हो रहा है, यानी पत्थर को तोड़ा जा रहा है। फिर हम लोकेशन, दूसरी लोकेशन में, अगर लोकेशन वही है, क्योंकि एक लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं तो लगभग लोकेशन का वो लोकेशन सेम ही होगा, अगर वहाँ से चेंज नहीं करते हैं, अगर चेंज करेंगे तो फिर लोकेशन बदल जाएगा आपका। फिर लोगों की संख्या क्या है, तो दूसरे लोग उसी पे बात करें तो 3 लोग हैं, जो पावर जनरेटर यानी डीजी जो पावर सप्लाई दे रहा है वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, वो क्या काम के, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, पावर सप्लाई टू प्लांट, प्लांट को चलाने के लिए यानी स्टोन क्रशर को चलाने के लिए ये पावर दे रहे हैं, देने का काम करते हैं, पावर से रिलेटेड काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे। अगली बात करें मैं तो लोकेशन वही होगा, और फिर 6 लोग काम कर रहे हैं, और वो 6 क्या चीज़ है, एक्सावेटर भी है वहाँ पे, 6 एक्सावेटर वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो काम क्या कर रहे हैं, स्टोन लोडिंग यानी जो स्टोन को लोड करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जितना भी उस साइट पे वर्क हो रहा है उन सभी साइट के वर्क को एक एक करके पूरी एक्टिविटीज के साथ, लोगों की संख्या के साथ, टूल्स के साथ हम मेंशन कर लेते हैं, अपने फॉर्म में भर लेते हैं।
जब आप ये पूरा फॉर्म तैयार कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, मशीन है या टूल्स हैं, वह उनकी संख्या कितनी है, उनसे कौन सा हज़ार्ड जनरेट होगा, क्या चीज़ होने की संभावना है। एक्टिविटीज से हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ का मूवमेंट क्या है। जब मूवमेंट पता चल जाता है तो हम आसानी से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, होने वाले रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी चीज़ों को हम बड़े आसानी से, यानी कोई भी अनवांटेड या जो घटना है, एक्सीडेंट इंसिडेंट, उनको हम रोकने में सक्षम हो पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर आप वर्क कर रहे हैं, आपको इस तरह से काम करना है, तो अगर ये जो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी आप जाएं काम करने, आपको ये सारे काम करने होंगे। तो कई जगह आपको प्रोफार्मा मिल जाता है, कई जगह लोग टेस्ट के लिए आपसे बोलते हैं कि आप उस चीज़ को बनाइए, बना के हमें दिखाइए, इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। तो सीधा सा आप याद रखिए कि जो वर्क टास्क लिस्ट बनाई जाती है उसमें जो है कुल 7 कॉलम होते हैं, उसको 2 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। पहले सेक्शन में हम कंपनी, डिपार्टमेंट और साइट का नाम लिखते हैं। दूसरे सेक्शन में 4 कॉलम होता है जिसमें हमारे पास लोकेशन, पीपल, इक्विपमेंट एंड एक्टिविटीज़, ये 4 कॉलम होते हैं। जब इन 4 कॉलम से ही हमारा क्या होता है, वर्क टास्क लिस्ट फॉर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद ही हम अगला स्टेप करते हैं, इसके बाद हम तैयार करते हैं रिस्क असेसमेंट का फॉर्म, हम यूज़ करते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिस्क असेसमेंट का फॉर्म किस तरह से तैयार किया जाता है। अब बारी है कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो शुरू में हमने आपसे पूछा था, तो उसको देख लेते हैं। रिस्क असेसमेंट की तैयारी कैसे शुरू करेंगे? तो रिस्क असेसमेंट की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले हम वर्क टास्क लिस्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। अब वर्क टास्क लिस्ट क्या है? अभी जो आपने देखा, अभी जो भी हम फॉर्म बना रहे थे रिस्क असेसमेंट के लिए, सभी वर्क टास्क लिस्ट था, ठीक है। वर्क टास्क लिस्ट में कितने कॉलम होते हैं? तो आपका सीधा सा जवाब होगा, वर्क टास्क लिस्ट में 7 कॉलम होते हैं, है ना। पहला 3 कॉलम जो हमें कंपनी के बारे में, साइट के बारे में बताता है, वहाँ के बाकी 4 कॉलम हमें कार्य के बारे में, प्लेस के बारे में और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, रिस्क असेसमेंट करने वाले को क्या कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति रिस्क असेसमेंट या रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड टास्क पे काम करता है, उसे रिस्क असेसर कहा जाता है, ठीक है, उसे रिस्क असेसर कहा जाता है। टास्क लिस्ट में एक्टिविटीज़ क्या दर्शाता है? तो टास्क लिस्ट में एक कॉलम आपका आता है एक्टिविटीज़ का, यह क्या दर्शाता है? तो टास्क लिस्ट में एक्टिविटीज़ यह दर्शाता है कि किस तरह का कार्य हो रहा है, और जब कार्य का होना पाया जाएगा, और अगर हम ये जान जाएं कि कार्य इस तरीके का हो रहा है, तो फिर हम उसके बारे में और भी जानकारी, रिस्क के बारे में और फिर हजार्ड के बारे में क्या हो सकता है, और पिछली एक्टिविटीज़ को देखकर हम और भी चीज़ें जान पाते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत न हो। अगला क्वेश्चन आता है, रिस्क असेसमेंट वर्क टास्क लिस्ट में इक्विपमेंट का कॉलम क्यों होता है? तो डियर स्टूडेंट, इक्विपमेंट का कॉलम इसलिए होता है क्योंकि मशीन टूल के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे आसानी से हैजार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है और रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब भी आपको वर्क टास्क लिस्ट बनाना हो तो आप इस तरीके से इस चीज़ को बनाइए, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।